हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पर ट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स की सेल करी गई है आर्मेनिया को, और इस सेल की वजह से पाकिस्तान और अजरबैजान ने इंडिया को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया है। पहला आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान की साइड से आया था, जहां पर उनका ये ब्लेम था क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं और कश्मीर के मुद्दे पर अजरबैजान का सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है, इसलिए इनके अगेंस्ट जाकर इंडिया ने आर्मेनिया को वेपन की सेल करी है। साथ में इंडिया जो है वो अग्रेसर को सपोर्ट कर रहा है, इनके हिसाब से ये आर्मेनिया है जिनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी है जैसे कि इंडिया की है, ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। तो ये हम सब जानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में किस कंट्री का हिस्सा जो है वो से अलग किया गया, किस कंट्री ने वॉर क्राइम्स किए और किसने चीज़ों को इनिशिएट किया, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। इवन जो रीसेंट एग्रेशन शो किया गया था वो भी अजरबैजान की साइड से किया गया था, जिसमें ग्रूसम वॉर क्राइम्स भी रिपोर्ट किए गए थे आर्मेनियन फीमेल सोल्जर के साथ। पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है, हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। पर जो चीज साफ है वो ये है कि अजरबैजान की मिलिट्री जो है वो आर्मेनिया के कंपैरिजन में काफी बड़ी है और उनकी इकोनॉमी भी कंपैरेटिवली बड़ी है, तो वो लड़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, साथ ही बेटर वेपन से लेस डोमिनेट कर सकते हैं आर्मेनिया को, जो कि उन्होंने रिसेंट वॉर्स में किया है। तो अजरबैजान के बाद मैक्सिमम जो वेपन्स हैं वो इजरायली या फिर रशियन ओरिजिन के हैं, वहीं पर आर्मेनिया के पास जो मैक्सिमम वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। अजरबैजान ने हाल ही में टर्की से भी वेपन्स की सप्लाई जो है वो लेना चालू कर दिया। कंपैरेटिवली आर्मेनिया के पास ज्यादा सपोर्ट नहीं है। इवन आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर रशिया से जो वेपन सप्लाई होने वाली थी वो इनको नहीं मिली, इवन पेमेंट करने के बाद भी। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें बैलेंस्ड थी और इंडिया के वेपन सप्लाई करने के बाद बैलेंस इस रीजन का बिगड़ जाएगा। हर कंट्री को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है और वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं। आर्मेनिया की इकोनॉमी जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी को, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके द्वारा ट्रेडिशनली रशिया से वेपन खरीदे जाते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन मीट नहीं करी और अपने खराब एक्सपीरियंस की वजह से अब आर्मेनिया ने इंडिया की तरफ देखा है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके द्वारा वेपन्स के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार ऑर्डर किए, उसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स ऑर्डर किए गए, लास्टली 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर की व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम को ऑर्डर किया गया। तो ये बेसिक चीजें हैं इनके ग्राउंड फोर्सेस के लिए। इसके कंपैरिजन में अगर आप अजरबैजान के वेपन सिस्टम्स को देखेंगे तो उनके पास लॉटरिंग म्यूनिशंस हैं, यूकैप यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इनके द्वारा बराक 8 यूज करी जाती है, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट था इंडिया और इसराइल का। तो अजरबैजान की मीडिया ने भी ये चीज लिखी है कि पिनाका की जो सेल है वो डेंजरस होगी इस रीजन के लिए, और अजरबैजान के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया बदला ले रहा है अजरबैजान से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को पाकिस्तान से बेहतर बनाने के लिए। और ये चीज पॉसिबल भी है क्योंकि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सपोर्ट में ज्यादा ही वोकल हो रहे थे। तो अगर अजरबैजान के लिए ये चीज सही थी तो इन्हें आर्मेनिया की वेपन सप्लाई से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अजरबैजान के एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो इंडियन वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं वो काफी लो क्वालिटी के हैं और वॉर का आउटकम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये इतने लो क्वालिटी के हैं तो टीवी में इस चीज़ को लेकर डिबेट कराने की क्या जरूरत है और इस मुद्दे को बार बार उठाने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज, आपके द्वारा जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं वो खुद इंडिया के कोलैबोरेशन में इजराइल ने बनाए हैं। बाकी बात रही वेपन सिस्टम की इफेक्टिवनेस की, तो कोई भी वेपन सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा यूज करने के तरीके पर डिपेंड करती है। तो जब तक प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया जाता अजरबैजान के एरियल थ्रेट के अगेंस्ट में, चाहे यहाँ पर हम अनमैन्ड यूकैफ की बात करें या फिर बात करें लॉटरिंग म्यूनेशन की, तब तक इनके टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, हाउइट्जर्स और ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी नहीं होती है। आपको यहाँ पर एयर डिफेंस प्रोवाइड कराना होता है और ये चीज़ भी इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराई जा सकती है, बशर्त आर्मेनिया यहाँ पर चीज़ों को परचेज करने के लिए तैयार हो। भले ही यहाँ पर इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है वॉर को भड़काने के लिए, पर इंडिया द्वारा किसी भी तरीके के लाइन ऑफ क्रेडिट को प्रोवाइड नहीं किया गया है आर्मेनिया को उनकी वॉर्स को सपोर्ट करने के लिए, जबकि अजरबैजान के केस में वॉर्स के दौरान ही इनडायरेक्ट टर्किश और पाकिस्तान के सपोर्ट की बातें जो है वो सामने आ रही थी। हमारा ऐसा मानना है कि एक मैसेज के तौर पर लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, साथ में वेपन्स भी सप्लाई करने चाहिए, पर डिप्लोमेटिकली इंडिया का ये स्टांस जो है वो नहीं रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है।
ये बात और है कि कल को आर्मेनिया अगर चीज़ों को ख़रीदना चाहे तो इंडिया उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर दो चार चीज़ें और हैं जो आर्मेनिया ले सकता है प्रॉपर काउंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें पहली चीज़ जो है वो एयर डिफेंस को लेकर है। यहाँ पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इनके द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसमें आकाश एनजी इनके द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है। उसके बाद MRSAM भी एक सॉल्यूशन है, अगेन ये बराकेट का ही एक डेरिवेटिव है। तो प्रॉपर काउंटर जो है मीडियम रेंज इंटरसेप्शन के लिए आर्मेनिया को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो ऑर्डर करी जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस जो है वो आर्मेनिया ऑर्डर कर सकता है, जो यहाँ पर चीज़ों को चेंज करने का काम करेगा। बाकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर प्रहार मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है, जिसे प्रगति मिसाइल कहा जाता है। ये 170 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है और एक लॉन्चर एक बार में 6 मिसाइल कैरी कर सकता है। तो ये सिस्टम्स जो हैं वो गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। बाकी ये अपने Su-30 SME फाइटर के लिए भी वेपन्स इंडिया से ले सकते हैं, जो कि अजरबैजान की एयरफोर्स को डोमिनेट करने में मदद कर सकती है आर्मेनिया की। तो ये पॉसिबिलिटी शो करती हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं। अभी से ही अजरबैजान और पाकिस्तान से ये बातें उठना चालू हो गई हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, पर जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से अभी गलत की शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, लेकिन इंडिया क्योंकि पाकिस्तान और टर्की नहीं है तो पर्दे के पीछे वाला सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। अगर आर्मेनिया चाहेगा और पे करेगा तभी उन्हें वो वेपन सिस्टम मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।